हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हमारे गेम के अंदर आने वाले अपकमिंग न्यू इवेंट्स एंड अपडेट्स के बारे में, और साथ ही बात करने वाले हमारे गेम के अंदर आने वाले टू नाइट अपडेट के बारे में। तो गाइस, आज रात 12 बजे या फिर कल सुबह 4:30 बजे मॉर्निंग अपडेट के बाद आपको हमारे गेम के अंदर क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है, उसका जो है रिव्यू करने वाले हैं। सो गाइस, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो लाइक कर दिया। सो गाइस, हमारे गेम के अंदर कल सुबह 4:30 बजे मॉर्निंग अपडेट के बाद एक न्यू मोको शो आने वाला है, जिसके अंदर आपको MP5 की स्क्रीन जो है देखने को मिलने वाली है, जिसके हम स्क्रीन पर कुछ इस तरह की MP5 की स्क्रीन आने वाली है। एटीब्यूट के बारे में बात करें, सिंगल माइनस रिलोड स्पीड, सिंगल जो सिंगल प्लस मैगजीन और डबल प्लस एमो प्रोटेक्शन, तो गाइस कुछ इस तरह के नॉर्मल से एटीट्यूड होने वाला, नॉर्मल से लुक जो है देखने को मिलने वाली है। तो गाइस, ये वाला मोको शो जो आपको कल सुबह 4:30 बजे मॉर्निंग अपडेट के बाद देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, फाइनली जो हमारे इंक्यूबेटर को भी गुड बाय कहने का टाइम आ चुका है। तो गाइस, बैनर निकल के आ चुका है गुड बाय इंक्यूबेटर। तो गाइस, 17 मई से लेकर 13 जून तक जो हमें एक न्यू टोकन एक्सचेंज इवेंट देखने को मिलने वाला हमारे इंडियन सर्वर साथ ही बांग्लादेश सर्वर के अंदर। सो गाइस, हमारे जो इंक्यूबेटर का सेक्शन जो है रिमूव हो जाना है। तो गाइस, कुछ इस तरह का टोकन एक्सचेंज इवेंट आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप ब्लूप्रिंट एंड एवोल्यूशन स्टोन को एक्सचेंज करने पर एक न्यू स्टोन मिलेगा या फिर न्यू ब्लूप्रिंट मिलेगा, जिससे आप जो एक्सचेंज करके एक न्यू वाले रिवॉर्ड को जो एक्सचेंज कर पाएंगे, जिसके अंदर वेपन स्किन्स रहने वाली है, इंक्यूबेटर बंडल्स रहने वाले हैं, साथ ही और भी बहुत सारी आइटम जो आपको एक्सचेंज करने के लिए मिल जाएंगे। तो गाइस, ये वाला इवेंट जो आपको कल सुबह 9:30 बजे या फिर 4:30 बजे मॉर्निंग अपडेट के बाद हमारे इंडियन सर्वर के अंदर देखने को मिल जाने वाला है। तो गाइस, कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से, जैसे कि लिंक्स मिल रही है। तो गाइस, हमें डायनो वाले बंडल जो एक्सचेंज करने को मिलने वाले मे भी इस इवेंट के अंदर, जो कि आपको कुछ इस तरीके के डायनो वाले बंडल जो आपको देखने को मिल जाने वाले हैं, जैसे कि आप स्क्रीन गाइस ये वाले डायनो वाले बंडल जो आपको एक्सचेंज करने के लिए मिल जाने वाले। तो गाइस, कैसे लगे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइए। गाइस, मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद आई ये सभी डायनो बंडल। आप सब लोगों कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, ऐसी मोन फॉर्मेटेड वीडियो चैनल पे आती रहती है। और साथ ही बात कर लेते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले अपकमिंग न्यू ईवो बंडल के फेडेड व्हील के बारे में, कब तक देखने को मिलने वाला है। तो इस कंफर्म डेट निकल के आ चुकी है, तो 19 मई से लेकर आपको जो है 17 जून तक जो हमारा न्यू इवोल्यूशन मतलब इवोल्यूशन बंडल जो है ईवो बंडल है, उसका फेडविल देखने को मिल जाना है। तो कुछ इस तरीके का ईवो बंडल का फेडविल आने वाला है, जिसके अंदर हमें ईवो बंडल मिलने वाला है बेसिक वाला। तो गाइस, मे भी इसको निकालने में जो आपके 1000 से जो है 1000 से 1100 डायमंड जो है लग जाने वाले हैं। तो गाइस, जिसके अंदर आपको बेसिक वाला बंडल जो है मिलने वाला है। तो गाइस, कुछ इस तरीके का बेसिक वाला बंडल की लुक रहने वाली। तो गाइस, कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं था वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, ऐसी मोन फॉर्मेटेड वीडियो चैनल पर आती रहती है। ये वाले अगर आप सभी के सभी बंडल को अनलॉक कर लेते तो गाइस आपको जो है लुक चेंजर इमोट जो अनलॉक हो जाएगा। और साथ ही गाइस बात करेंगे, आप जैसे फर्स्ट बंडल को अनलॉक करते तो गाइस आपको एक इमोट जो है अनलॉक हो जाने वाला है। जैसे ही आप दो बंडल्स को अनलॉक कर लेंगे तो गाइस आपको जो एंट्री एनिमेशन जो है वो अनलॉक हो जाएगा। और जैसे ही आप तीन बंडल को अनलॉक कर लेंगे तो गाइस आपको जो है मल्टीपल वाला इमोट जो आपको अनलॉक हो जाने वाला है, और साथ ही गाइस आपको मिल जाने वाला है। और बात करें एनिमेशन के बारे में, साथ ही जो एनिमेशन स्पेशल इफेक्ट दिए गए हैं रनिंग वाले, मेडिकेट इफेक्ट एंड साथ ही जो फायर इफेक्ट जो आपको ये वाले भी जो आपको डायमंड से परचेज करने होंगे, तो मे भी जो है इसके अंदर अगर आप जो है मतलब मेडिकेट वाला लेते हो तो गाइस इसके लिए आपको 40 टोकन देने होंगे। और साथ ही जैसे कि FFWSC की इवेंट मतलब FFWSC का बंडल आया था, उसी तरीके से भी जो है इसका भी जो है डायमंड लगने वाले हैं। तो गाइस मे भी आपके 5 से 6 हज़ार डायमंड जो है इस बंडल को अपग्रेड करने में लग जाने वाले, और 1000 डायमंड जो है 1000 से 1100 डायमंड जो आपको इस बंडल को फेडिवेल से निकालने में लग जाने वाले हैं। तो गाइस कैसा रहेगा वाला बंडल प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइए। और ऐसी मोन इन्फॉर्मेटेड वीडियो चैनल पे आती रहती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आज के लिए टाइम मिलेंगे करने वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।